डिस्क्लेमर, इस वीडियो में स्पॉइलर का उपयोग होने वाला है थोड़ा बहुत। अगर आपको स्पॉइलर थोड़ा बहुत नहीं पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कोई दूसरी वीडियो जाके देखो, वैसे तो ये वीडियो भी देख लो, थोड़ा बहुत स्पॉइलर से कुछ नहीं होता। गेंशिन इम्पैक्ट की स्टोरी बहुत बड़ी है एंड स्टोरी अभी भी चल रही है, नॉट टू मेंशन यहाँ पे वर्ल्ड स्टोरी है, कैरेक्टर स्टोरी है, इवन 4-स्टार कैरेक्टर्स की भी यहाँ पे स्टोरी है। वैसे तो ये बस डेट जैसा है, लाइक अगर तुम सिंगल हो तो कर सकते हो, बट मेरा पॉइंट ये है जो नए प्लेयर्स हैं और ऐसा गेम पहली बार खेल रहे हैं उनको समझ नहीं आता कि ये गेम है क्या और इसमें करना क्या है। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सोच रहे हैं इस गेम को ट्राई करने की, तो आज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि ये स्टोरी है क्या, लेकिन मैं कोई मेजर स्पॉइलर नहीं देने वाला एटलीस्ट इस वीडियो में, और तुम्हें ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि इस गेम में करना क्या है। एंड सिंस मैं तुम्हारा फेवरेट क्रिएटर हूं तो बोनस में मैं तुम्हें कैरेक्टर स्टोरी कैसे वर्क करता है और वर्ल्ड स्टोरी क्या है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। ऑल राइट वीप्स, तो हम सबसे पहले मेन स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। ये है ईथर एंड ये है लुमीन, दोनों बहन भाई हैं जो कि एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं। क्यों करते हैं वो हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन फॉर सम रीजन ये गॉड चाहती नहीं थी कि ये दोनों इस वर्ल्ड से निकले, तो इसने इन दोनों को बंदी बना लिया और दोनों बहन भाई अलग हो गए एक दूसरे से। नाउ तुम्हें गेम में ऑप्शन मिलेगा कि तुम्हें ईथर के साथ खेलना है या फिर लुमीन के साथ। अगर तुम ईथर लेते हो तो तुम्हें तुम्हारी बहन को ढूंढना है, और अगर तुम लुमीन लेते हो तो तुम्हें अपने भाई को ढूंढना है। नाउ तुम फंस चुके हो इस वर्ल्ड में जिसका नाम है टेवैट, और तुम जाते हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अपनी बहन को ढूंढते हुए और इस वर्ल्ड को और ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हुए। नाउ इस गेम में 7 countries, regions जो भी कह लो, 7 regions हैं और हर रीजन का एक गॉड है और हर रीजन एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि तुम पहले मॉन्स्टेट में आओगे जिसका आर्कॉन है एनिमो गॉड, एंड देन वी हैव ल्यूए जो कि बेस्ड है रॉक पे, उसके बाद आता है इनाजुमा जो कि बेस्ड है इलेक्ट्रो पे, सुमेरू जो कि बेस्ड है डेंड्रो पे, उसके बाद है फॉन्टेन जो कि बेस्ड है वाटर पे, एंड देन वी हैव नाटलान जो कि बेस्ड है फायर पे, एंड लास्टली जो रीजन है वो है शिनेशिनाया जो कि बेस्ड है आइस पे। नाउ शिनेशिनाया अलग है बाकी के नेशन से एंड उसके बारे में मैं एंड में बात करूंगा। अब तुम्हारा काम क्या है इस स्टोरी में? वेल, हम इन रीजन्स में जाते हैं ताकि हमें कोई क्लू मिले अपने बहन को लेके। वेल, अगर मैं तुमसे सच बात बोलूं तो कोई भी इन न्यू रीजन्स में इसलिए नहीं जाता कि वो क्लू ढूंढ सके, हम जाते हैं ताकि हम मिल सके और प्रीमो जेम्स कलेक्ट कर सके ताकि हम अपने वाइफूस पे विश कर पाए। जोक्स असाइड, हर रीजन का आर्कॉन स्टोरी होता है, तो उसका स्टोरी रहता है जो कि हम प्ले करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये मेन स्टोरी है, जो कि बहुत ही अच्छा है इन माय ओपिनियन। तुम्हें याद है मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस गेम की स्टोरी अभी भी चालू है? यस, यानी कि अभी फाउंटेन तक ही रीजन खुला है और अभी हम फाउंटेन वाली ही स्टोरी कर रहे हैं, नाटलान एंड शिनेशिनाया खुला नहीं है। नाउ अभी तक मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है कि मेन कैरेक्टर का गोल क्या है और कितने रीजन्स हैं और आर्कॉन स्टोरी क्या होता है, लेकिन अब हम बात करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग चीज पर जिसने इस गेम को पॉपुलर बनाया है। नहीं, ये नहीं, आई मीन वर्ल्ड बिल्डिंग, एक्सप्लोरेशन, वर्ल्ड क्वेस्ट। लुक, गेंशिन इम्पैक्ट फेमस इसलिए हुआ बिकॉज ये जो वर्ल्ड इस गेम ने क्रिएट किया है जो कि बहुत से प्लेयर्स को एनिमे और मैजिकल वर्ल्ड जैसा फील देता है। नाउ मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला कि एक्सप्लोरेशन कैसे करते हैं, क्यों, क्या बच्चे हो तुम, बल्कि मैं बात करूंगा वर्ल्ड क्वेस्ट की। नाउ ये है क्या, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पॉइलर बोलने वाला हूँ ताकि तुम समझ सको। आर्कॉन क्वेस्ट में हम अपनी बहन को ढूंढते हैं और उस कंट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वैसे ही वर्ल्ड क्वेस्ट में हम NPC ट्रैवलर की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। NPC का मतलब होता है नॉन प्लेएबल कैरेक्टर, यानी कि इस कैरेक्टर को गेम में नहीं खेल सकते। नाउ तुम लोग सोचते होगे तो इसका मेन स्टोरी से कुछ लेना देना नहीं है, अगर ऐसा है तो मुझे ये वर्ल्ड क्वेस्ट खेलने की जरूरत ही नहीं, मुझे नहीं मदद करना है NPCs का।
वेल वेट, बिफोर तुम ऐसा करो मैं एक बात बता देता हूँ, जब तुम वर्ल्ड क्वेस्ट करोगे तो तुम NPCs की तो मदद करोगे ही, बट एरिया को भी एक्सप्लोर कर पाओगे, जो कि तुम्हें चेस्ट देगा, प्रीमोजेम्स देगा, और कुछ ऐसे एरिया छुपे हुए होते हैं जो कि तभी खुलते हैं जब तुम उनका वर्ल्ड क्वेस्ट करोगे, और तुम्हें बहुत कुछ पता चलता है रीजन्स के बारे में, एंड कुछ वर्ल्ड क्वेस्ट तो आर्कॉन क्वेस्ट से भी रिलेटेड होते हैं, तो प्लीज वर्ल्ड क्वेस्ट को स्किप मत करो। तुम जब ये साइन देखोगे किसी कैरेक्टर के ऊपर तो समझ लेना ये वर्ल्ड क्वेस्ट है। नाउ रह जाता है कैरेक्टर स्टोरी, एंड इट्स ऑब्वियस, नाम से ही तुम्हें पता चल जाता है, इसमें तुम्हें कैरेक्टर के बारे में जानने को मिलता है, काइंड ऑफ उसकी बैक स्टोरी तुम्हें पता चलेगा। यूजुअली जब भी नए कैरेक्टर का बैनर आता है तब कंपनी उसका स्टोरी भी रिलीज करती है, ताकि तुम कनेक्ट कर पाओ उस कैरेक्टर से, एंड मे बी विश करो इन फ्यूचर। नाउ जो नए प्लेयर्स हैं, मैं उनको बोल दूं ये मैंडेटरी नहीं है, अगर स्टोरी में रिक्वायर्ड होगा तो गेम तुम्हें अपने आप बोल देगा कि भाई इस कैरेक्टर की स्टोरी करके आओ। नाउ जहां पर हीरो है वहां पे विलन्स भी होंगे, इस गेम में भी है The Abyss Order, ये जो enemies तुम देखते हो या ये सब Abyss Order से belong करते हैं। इनका goal मुझे बताना चाहिए या नहीं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि game ने भी explicitly नहीं बताया है, और मैं तुम्हारा मजा नहीं खराब करना चाहता, तो तुम खुद ही story में play करके देख लेना। And wait, एक और भी organization है जो कि है The Harbingers, ये भी एक evil organization है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये शिने शिनाया से बिलोंग करते हैं और खुद को ये डिप्लोमैट्स दिखाते हैं, शिने शिनाया का रिप्रेजेंटेटिव दिखाते हैं। इनको बुलाया जाता है दी 11 हार्बेंजर्स, यही लोग हैं जो कि हर कंट्री में जाकर उंगली करते हैं, इनका गोल है हर कंट्री के जेनोसिस को जमा करना। इनका जो लीडर है वो है दी कायरो आर्कॉन सरीजा। नाउ सरीजा का गोल क्या है वो मुझे नहीं पता, बट अगर तुम्हें जानना है कि ये 11 हार्बेंजर्स कौन है तो मैंने ऑलरेडी 18 मिनट्स का वीडियो बनाया है इन पे, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, जाके देख लेना, और इस वीडियो को तुम शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि खेलना चाहते हैं ये गेम, और लाइक सब्सक्राइब तो तुम कर ही दोगे राइट। चलो बाय।